हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ब्रिटानिया के स्टॉक्स का डिटेल से एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ब्रिटानिया के स्टॉक्स का दो पॉइंट, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, इन दोनों के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ब्रिटानिया के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा, यानी पहले से बाई कर रखा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है। और अगर आप ब्रिटानिया के स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी सही समय है या फिर अभी आपको वेट करना है, तो इन सब के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ब्रिटानिया का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है और नेक्स्ट टारगेट इसका क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपने ब्रिटानिया के स्टॉक्स को बाई कर लिया है या फिर इस स्टॉक्स को लेकर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके चार्ट्स को देखते फिर हम फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ब्रिटानिया के डेली चार्ट को ओपन कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे प्रीवियस मूवमेंट की बात करें तो कुछ महीने पहले ये लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा था। देख सकते हैं इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हम इसको लोअर हाई फॉर्मेशन बोल सकते हैं। और डाउन साइड में ये लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था। उसके बाद अक्टूबर के मंथ में इसमें हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा डाउनफॉल मूव शो किया था। उसके बाद वापस से हमें रिकवरी देखने को मिला, और जब ये रिकवरी शो किया उसके बाद इसका जो लोअर लो का पैटर्न था वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद ये हायर लो और हायर हाई का पैटर्न फॉर्मेशन किया, और यही पैटर्न फॉर्म करते हुए ये इस लाइन को टच किया। और इस लाइन को मैंने कैसे ड्रॉ किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रीवियस जो इसका हाइएस्ट पॉइंट था उन सबको ज्वाइन करके मैंने लाइन ड्रॉ किया और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया। अगर आप इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि ये जो अपसाइड मूव दिखाया था ब्रिटानिया, इसमें इसी लाइन को ये रेजिस्टेंस के रूप में लिया है और फिर इसी लाइन को टच करके वापस नीचे आया, और नीचे में जो अप ट्रेंड का जो लोएस्ट पॉइंट है उन सबको ज्वाइन करके मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है और फिर नीचे आके इसी लाइन को ये सपोर्ट लिया है और यहीं पे अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तो अभी ये काफी क्रूशियल पॉइंट है, इसके बाद ये कोई भी डायरेक्शन अपसाइड भी मूव दिखा सकता और डाउन साइड भी मूव दिखा सकता है। तो ये ब्रेकआउट से जस्ट पहले का टाइम है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना, अभी यहाँ आपको थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर ये इस लेवल को, और ये जो लेवल है वो है आपका 3550 का बोल सकते हैं, अगर ये 3550 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और टेक्निकल ये थोड़ा बहुत और डाउनफॉल मूव दिखा के 3400 के लेवल को टच कर सकता है। तो अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो यहां से हमें 150 पॉइंट्स का और डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है और ये आपका 3400 के लेवल को टच कर सकता है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज पे ध्यान देना, अगर आप वॉल्यूम्स पे ध्यान दें तो देख सकते हैं प्राइस तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ जरूर गया लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आया। देख सकते हैं कि वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डाउन साइड की तरफ गया और फिर जब ये डाउनफॉल मूव स्टार्ट किया उसके बाद वॉल्यूम में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला और वॉल्यूम डे बाई डे नीचे की तरफ ही जा रहा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव वॉल्यूम आता है तो फिर यहाँ से रिवर्सल शो करके अपसाइड मूव दिखा सकता है। अगर ये अपसाइड मूव दिखाता है तो फिर से ये इस लेवल को टच कर सकता है और ये आपका 3850 के लेवल को टच कर सकता है। तो यहां से ये अपसाइड की तरफ जाता है या फिर डाउन साइड की तरफ, वो चीज हमें ध्यान देना है। और वो चीज समझने के लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे भी ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम आता है तो फिर ये डेफिनेटली आपको अपसाइड की तरफ मूव दिखाएगा और ये 3800 से लेके 3850 के लेवल को टच कर लेगा। लेकिन अगर इसी तरह से वॉल्यूम आगे भी कम होता रहा और निगेटिव वॉल्यूम रहा तो डेफिनेटली ये जो सपोर्ट लाइन है 3550 का, इसको भी ब्रेक करके नीचे आएगा और ये 3400 के लेवल को टच कर सकता है। हम आगे फंडामेंटल्स देख लेते हैं फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है। तो अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पी रेशियो की बात करूंगा। अगर आप सेक्टर पी की बात करें यानी इंडस्ट्री पी की, तो है 48.60, लेकिन अभी इसका पी है 61.58। तो इतने गिरावट के बाद भी इसका पी इंडस्ट्री पी से ऊपर ही है। और पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें वो है आपका 19.46 और सेक्टर पीवी यानी इंडस्ट्री पीवी है 10.70। तो पीवी रेशियो भी इसका सेक्टर के पीवी से ऊपर है। तो फंडामेंटली इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे हमें ये काफी अच्छा दिख रहा। और हम आगे इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखें और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही किया है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा इंक्रीज किया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी
ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है। तो ये सारे फैक्टर्स जरूरी होते हैं कोई भी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई भी स्टॉक्स पिक करना है तो उसके लास्ट 3 to 4 years के EPS, टोटल रेवेन्यू, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सबको वॉच करना है और ये सब कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना चाहिए। और ब्रिटेनिया में देख सकते हैं कि ये सब कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है। तो फंडामेंटली ये काफी बेहतरीन स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और ये चीज आप सब लोगों को पता है, ये चीज बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इन सारे पॉइंट के बेसिस पे आप दूसरे स्टॉक्स को भी पिक कर सकते हैं कि उसमें हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। उसके बाद इसके कैश फ्लो के ऊपर भी बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि नेट चेंज इन कैश 2019 में निगेटिव में था, लेकिन FY20 में फिर से ये पॉजिटिव में आ गया, जो कि बड़ी बात है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है इतने बड़े पैंडेमिक के बावजूद भी। तो ये दोनों चीज भी हमें कंप्लीटली यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके पीयर्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटेनिया का पीयर्स है नेस्ले, हटसन एग्रो और जाइडस। तो पी रेशियो इन सबसे कम है, तो ये भी चीज अच्छा है कि ये काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और ये काफी चीप प्राइस पे अवेलेबल है मार्केट में। इसके इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स है उससे चीप प्राइस पे ये स्टॉक्स अवेलेबल है। और पीवी रेशियो भी इसका ठीक ठाक ही है, सिर्फ एक नेस्ले इंडिया से कम है, बाकी सबसे ज्यादा है। तो वैल्यूएशन भी यहाँ पे काफी बेहतरीन ही है। वहीं अगर हम इसके होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज ऑन सितंबर 2020 इसका प्रमोटर्स होल्डिंग है 50.57, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 6.47, DII होल्डिंग है 4.75, FII होल्डिंग है 16.03 और रिटेल और अदर्स होल्डिंग है 22.15। अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें जून 2020 से, तो जून 2020 में प्रमोटर्स होल्डिंग था 50.61%, तो प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स बात करें तो 6.47 अभी है और पहले था 6.07, तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग्स इंक्रीज किया है। DII होल्डिंग्स था जून में 6.34%, तो DII भी होल्डिंग्स अपना इंक्रीज किया है। FII की बात करें तो FII का होल्डिंग था 14.67%, सितंबर में है 16.03%। तो ये चीज काफी पॉजिटिव है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड, DII और FII, ये तीन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें अपना होल्डिंग्स इंक्रीज किया है। और अगर DII और FII किसी भी स्टॉक्स में होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, ये चीज हमें पॉजिटिव मान के चलना चाहिए और ये चीज थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देता है शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म दोनों में। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटली ये काफी बेहतरीन हमें लग रहा है। तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, पहले उनको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लोग फ्रेश इसमें बाई करने की सोच रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं, तो वो अभी थोड़ा सा वेट कर ले। यहां से अगर ये बाउंस बैक दिखाता है तो फिर आप यहाँ पे 3600 पे बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां से गिरावट दिखाता है तो फिर आप थोड़ा और वेट करें और उसके बाद आप 3400 के करीब इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अगर ये यहाँ से अपसाइड मूव दिखाता है तो फिर आप 3600 के करीब बाई कर सकते हैं। अगर ये डाउनफॉल मूव दिखाता है तो फिर आप यहाँ पे 3400 के करीब इसमें बाई कर सकते हैं। तो जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि अभी इसमें आपको वेट करना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पहले से इस स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है, यानी बाई कर रखा है, जिनके पोर्टफोलियो में है, वो अभी होल्ड करें। यहाँ पे कुछ भी पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से ये गिरावट दिखाता है, डाउनफॉल मूव शो करता है, तो आप 3400 के लेवल पे फिर से थोड़ा सा फ्रेश बाइंग करके अपने एवरेज को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। इस स्टॉक से एग्जिट करने की बिल्कुल भी राय नहीं है, क्योंकि ये काफी बम्पर स्टॉक्स है और लॉन्ग टर्म में ये काफी बेहतरीन रिटर्न देगा। जो भी लोग इस स्टॉक्स में बाई करते हैं उनको अगर पैसे की जरूरत है तभी यहां से एग्जिट करें, अदरवाइज इसमें बने रहें। अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप यहां पे फर्दर बाइंग करके एवरेज कम कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले से बाई कर रखा है तो उनके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो यहां पे बने रहें। प्राइस नीचे जाता है तो फ्रेश बाइंग करें और अपने एवरेज को कम करें। यहां पे एग्जिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक्स है और लॉन्ग टर्म में ये आपका काफी बेहतरीन रिटर्न जरूर देगा। तो आई होप ब्रिटेनिया के बारे में आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड और भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको आंसर किया जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।